हाय गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं डीनो जेम्स के नए सॉन्ग पे जिसका नाम है निडर। मैंने ये सॉन्ग अब तक नहीं सुना है, इसीलिए ताकि एक ओरिजिनल रॉ रिएक्शन आ सके। और यार, आज से मैं अपनी वीडियोस कहीं पे भी शेयर नहीं करने वाला हूँ, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वगैरह। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू। डीनो जेम्स की हर वीडियो के पीछे एक स्टोरी तो होती है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ होगा, आई एम श्योर। या क्या कर रहा है बेटा? क्या करेगा? अरे घर का अच्छा खासा काम छोड़ छाड़ करके चला गया बम्बई। ठीक है, जिद थी, वहां एक्टिंग करेंगे। क्या हासिल किया 5 साल में? टाइम बर्बाद करके तो आया। I see where this video is going. It's basically about कैसे आप अपनी लाइफ खुद बनाना चाहते हो, बट वो एक पेरेंटल प्रेशर होता है इंडिया में, स्पेशली इन आवर कंट्री। सो या आई थिंक दिस इज वेयर दिस वीडियो इज गोइंग। लेट्स सी। कुछ प्लान है? कुछ करना है? सोचे हो कुछ? अब टाइम वेस्ट करना बंद। कल से मेरे साथ चलो फैक्ट्री, वहां का काम समझो, संभालो और अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर के आओ। दिस इज नॉट एक्चुअली अ ड्रामेटाइजेशन, दिस एक्चुअली हैपेंस वेयर पेरेंट्स एक्चुअली वांट यू नो यू टू चूज अ करियर दैट दे थिंक इज राइट। व्हाट दे थिंक इज राइट इज एक्चुअली द थिंग दैट्स ऑन द ट्रैक, ऑल द अदर थिंग्स आर रॉन्ग। एक्चुअली हैपेंस। कभी घर से सबके डर से खुद से लड़ते रहता था जी भर मेरे वर्सेस था डीनो जेम्स काफी अरसे से छुपा भीतर झगड़ा काफी टूटे कांची मेरा दुश्मन था वो या टीचर हो गया राजी बन गया साथी जब से बागी बन गया और निडर करके। So this is actually he's saying that you know because of fear, because of people's pressure, he said yes to what they wanted. He is doing it, which is not right, but that's what happens actually. था मैं भैया बिंदिशा की नाव में और खींची चली जा रही थी गहरी नदी बहाव में धरती नहीं थी पाव में पूरी लाइफ लगी थी दाव में चिल्ला रहा था बस लाउड में खोया रहता था क्राउड में ताने नजर आते थे लोगों के हर सुझाव में मेरा माथा था तनाव में बस रहता था दबाव में फिर भी लेकर चलने लगा अपने सारे घाव में फिर लड़ना नेचुरली आ गया मेरे स्वभाव में था तेरे जैसा दोस्त। दैट वाज वेरी कूल। लेके चला सारे में अपने घाव फिर लड़ना आ गया मुझे khudi, that's pretty cool. And the best thing I like about Dino James is his flow. His flow is so unnatural and so unique, like amazing. मैं हर मान लेता था सोच मैं नेगेटिव था अप्रोच मैं पर कभी ना था माँ फिर लेके सारा बोझ मैं चला मैं खुद के खोजे मैं फिर खुद का बना कोच मैं फिर समझा ये जहाँ रहता था बस पेन में करता था माँ और बहन में बस करता था कंप्लेन में फिर एक दिन बोला बस अंगारों में था ट्रेन में छुड़ा के सारे चेन में फिर ट्रेन से सीधा प्लेन में डीनो को दी शिकस्त जो मैं आज कर रहा हूँ वो सालों पहले ही कर लेता लाख कहते थे कि बड़े सपनों से डरने का थक थक शक से मैं भर के था घर बैठा करता के डीनो साला खुद मेरे वर्सेस था घर से सबके डर। ट्रू, जो चीज है वो 5 साल बाद कर पाया। अगर उसने 5 साल पहले हिम्मत दिखाई होती लोगों के अगेंस्ट जाने की, इफ ही वेंट अगेंस्ट द पीपल ही वुड हैव डन इट। से खुद से लड़ते रहता था जी भर मेरे वर्सेस था डीनो जेम्स काफी अरसे से छुपा भीतर झगड़ा काफी टूटे कांची मेरा दुश्मन था वो या टीचर हो गया राजी बन गया साथी जब से बागी बन गया और निडर बस
खेल रहा था मैं ब्लाइंड, फिर ना लेफ्ट देखा ना राइट, आग बंद कर अंधी गहरी खाई में लगा दी मैंने डाइव, अबे खोलो ना तुम दरवाजा, पर आया नहीं रिप्लाई, और जो फ्रस्ट्रेशन द लाइन बिना देखे लंबी खाई में लगा दी मैंने जंप टाइप जो भी व्हाटएवर ही सेड, इट्स लाइक अ लीप ऑफ फेथ, इफ यू डोंट टेक दैट jump, if you don't take that risk, you will not actually achieve anything in life. You have to take risk. Greater the risk, greater the results. मैं बोला आज वो बन गया मेरा स्टाइल, फिर दिल की आवाज सुनी सबने बिना कोई माइक, now I'm ready for the flight and I'm ready for the fight, सारे कमेंट सारे लाइक मुझे करने लगे गाइड, सारे आगे मेरी मदद को फिर शिवल्ला और क्राइस्ट, और फिर थोड़ा लड़ना वीको के बड़ा मैं पागल, फ्रीको के संग भागा, फिर मैं जीतोगे या हारोगे, पर जीतोगे मरीगो से तुम चीखोगे, आंखों से पानी लिखोगे, उन चीटों से जब लिखोगे फिर तुम ही तुम बस दिखोगे, पढ़ा था जैसे पीस ऑफ मीट रोता था, बस 300 दिन तूफान के था मैं, बीचों बीच बचा लो ना वे पीसो पीस, अबे उठो सालो सीचो तकलीफें डालो खीसों में, डर है ये सारे शीशों के, बड़ों गुस्से कह के इट्स ओके, तुम सोच भी नहीं सकते कितना हुआ हूँ विफल ब्रो, कोस भी नहीं सकता अब मैं लास्ट के विकल्प को, वो सीढ़ी चढ़ने लगा धीरे धीरे से शिखर को, सब होने लगा बना जैसे ही निडर ब्रो, कभी घर से सबके डर से ट्रू, एक यू नो एक सक्सेसफुल इंसान है, यू हैव नो आइडिया हाउ मेनी फेलियर्स दैट पर्सन हैज गॉट, यू नो बहुत ज्यादा बार आपको हारना पड़ता है एक लास्ट बार जीतने के लिए, सो ट्रू। खुद से लड़ते रहता था जी भर मेरे भर से, स्टार्टिनो जेम्स काफी अरसे से छुपा भीतर, झगड़ा काफी टूटे कांची, मेरा दुश्मन था वो या टीचर, हो गया राजी बन गया साथी, जब से बागी बन गया और निडर, कुछ भी हो That scene where his parents are crying and he spits on himself in the mirror. Intense. झुकने का नहीं, अब कुछ भी हो झुकने का नहीं, कुछ भी हो रुकने का नहीं, अब कुछ भी हो झुकने का नहीं, कुछ भी हो रुकने का नहीं, Loser went on to become the most viewed song of Dino James and still ticking. Congrats, bro. Alright, so that was Nidder by Dino James. Amazing song. Lyrics kafi zyada acche. And what we learned from this is you have to go against everybody just once to get what you want, to achieve the success you deserve. Dar ke rahoge to kabhi aage nahi badhoge. Alright guys, please comment section mein batao if you like these reactions. I mean, this is the first I've ever done, and if you want me to continue doing these, I will. If you don't want me to continue doing this, I still will. It depends on my mood. So, peace out. Bye-bye.